तो आप लोग अगर घर पे बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तो हम आपके लिए देख सकते हैं कॉस्मेटिक की दुकान में आए हुए हैं, कॉस्मेटिक शॉप में आए हुए हैं। और हमारे साथ यहाँ पे देख सकते हैं शॉप ओनर भी मौजूद है, और इनसे हम सारे जानकारी लेंगे। अगर आप कॉस्मेटिक का दुकान खोलना चाहते हैं, कॉस्मेटिक आइटम का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको कौन सी जगह पे बिजनेस शुरू करना चाहिए कॉस्मेटिक का। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप दुकान खोलते हैं तो जगह का लोकेशन चूज करना होता है, और आपके पास कितने रुपए की बजट होगा तो आप इस चीज़ को, इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। वो हमारे साथ शॉप ओनर बैठे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, इनसे सारी जानकारी लेंगे। और एक बार दिखा दीजिए इनके पास, जितने भी देख सकते हैं कॉस्मेटिक शॉप का, जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट है, देख सकते हैं काफ़ी। और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, ये बिजनेस जो है ना दोस्तों, ये महिलाओं में काफ़ी डिमांडेबल बिजनेस है। और ये बिजनेस आपको हमेशा गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, कुछ भी हो, ये आपको हमेशा चलता रहेगा। तो अगर आप इस बिजनेस को ओपन करते हैं तो आपके पास अगर थोड़े बहुत भी बजट है ना, तो आप लगभग में आप डेली का 400 से 500 रुपये आप आसानी से कमा सकते हैं। अगर आप बाहर में कमाते हैं, आप सिटी में किसी दूसरे का नौकरी करते हैं, तो उसमें आपको 400 से 500 रुपये दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता। बदले में आपको 10 से 12 घंटा का नौकरी करना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस ओपन करते हैं, कोई खुद का शॉप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कॉस्मेटिक शॉप ही बिजनेस ओपन कीजिए, कोई भी ओपन कीजिएगा, तो आपको जो है ना दोस्तों, अपना काम रहेगा, जब मन होगा तब आइएगा, जब मन होगा तब बंद कीजिएगा, किसी के अंदर गुलामी नहीं कीजिएगा। यही होता है बिजनेस, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप अगर आप जुड़ जाते हैं तो एक दो महीना आप फेल हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है 2-4 महीने के बाद आपके अंदर काफ़ी सारे नॉलेज हो जाएगा बिजनेस करने के लिए। तो बिजनेस से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर दूसरे के अंदर नौकरी करते हैं तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर परिवार का खर्चा चला सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आइए, हमारे साथ शॉप ओनर है, इनसे जानते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं कोई कॉस्मेटिक आइटम, तो उसके लिए उसके पास कितने रुपए की बजट होनी चाहिए, और कौन कौन से सामान इसमें है जो लाना पड़ता है कॉस्मेटिक आइटम में, बताइए। इसमें सामान सारा आइटम रखना पड़ेगा, टोटल टोटल ए टू जेड दो ही पीस रखे है, लेकिन टोटल सामान रखना पड़ेगा। अच्छा, इनका कहने का मतलब हुआ कि अगर कॉस्मेटिक का बिजनेस करते हैं तो 2 पीस 4 पीस ही रखे, लेकिन जितने भी महिलाओं के लिए जो यूजफुल होते हैं वो सारे चीज़ जो है आपको रखना पड़ेगा। और इसके बाद आपको जो है इसमें, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये बिजनेस शुरू करेंगे तो हमें कितने रुपए की लागत होनी चाहिए, तो आप ये बताइए, अगर कोई नए अगर आदमी बिजनेस करना चाहते हैं कॉस्मेटिक का, तो उसमें कितने रुपए उसके पास होनी चाहिए, कितने रुपए की बजट होनी चाहिए, ये बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं शॉप ओनर है, इनसे हम सारी जानकारी लेते हैं। और ये काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से जो है कॉस्मेटिक आइटम का बिजनेस शुरू किए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इनका काफ़ी बढ़िया है। और चलिए अभी हम इनसे बात करते हैं कि ये जो दुकान ओपन किए हैं तो कितने रुपये से स्टार्टिंग किए हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताइए, आपका नाम क्या हो गया? रामजी कुमार सहनी जी। आप ये बताइए, आप जब इस बिजनेस को शुरू किए थे उस वक्त आपके पास कितने रुपए की बजट था, और कितने रुपए से आप शुरू किए हैं? 1.5 लाख से शुरू किए हुए थे। अच्छा, 1.5 लाख में आपका जो है ये काउंटर लागत है, सामान का लागत है। और ये काउंटर का वो अलग है, काउंटर अलग है। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ये काउंटर ये अलग से है। अच्छा, ये बताइए, 1.5 लाख रुपए से आपने शुरू किए थे। हाँ। कोई चाहे तो 5 लाख से भी कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी के पास कम बजट है, मान लीजिए 50,000-60,000 रुपये अगर जिसके पास हाँ। बजट है, तो उतने रुपए में आप ये शॉप ओपन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 40,000 से 50,000 रुपया भी है तो आप ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये कॉस्मेटिक शॉप का जो आप बिजनेस करते हैं, तो इसका लोकेशन कैसा होना चाहिए, कौन सी जगह पे ज़्यादा चलता है? देखिए, ये तो पहले क्षेत्र में देखना पड़ता है, लोकेशन क्षेत्र का कैसा है, नहीं पहले उसके हिसाब से चलना पड़ता है। पहले क्षेत्र अगर बढ़िया है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, अगर क्षेत्र ठीक ठाक है तो, अगर नहीं है
आपके कहने का मतलब घनी आबादी वाले, घनी आबादी वाले जैसे कि जनसंख्या जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे खोलेंगे तो इसका ज़्यादा चलेगा। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए जैसे कि दोस्तों आपने देख लिए हैं कि आपके अंदर में जितने भी बजट है, चाहे कोई भी बिजनेस आप कीजिए, तो आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास 40 से 50 हज़ार रुपये भी है तो भी आप इस बिजनेस को ओपन कर सकते हैं, और इस बिजनेस को खोलने से आपको जो है 60 से 70 रुपये की बचत है, यानी कि 60 से 70% रुपये की बचत है, 20 से 30% की लागत लगती है, और 60-70% जो है आप इस बिजनेस को ओपन करके बड़े ही आसानी से कमा सकते हैं। देख सकते हैं महिलाओं में ये चीज़ जो है काफ़ी डिमांडेबल चीज़ होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अगर आप खोलना चाहते हैं तो इस बिजनेस को खोल करके आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप बिजनेस से संबंधित और भी कोई नई नई जानकारी जान पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।